हेलो बच्चे लोग, दिस इज़ रणधीर हियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम टॉपिक्स ऑफ चैप्टर वन ऑफ बायोलॉजी क्लास सिक्स फ्रॉम ICSE बोर्ड। बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक्स, आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस दैट हाउ आर यू एंड हाउ वाज योर प्रिपरेशन एज फ्रॉम 24th मे योर एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट। So begin your preparation with this video. It will help you in your examination. So let's begin our topic. The topic starts from vegetative propagation. What do you mean by vegetative propagation? Means आप vegetative propagation से आप क्या समझते हैं? देखिए, जैसे हम males में sexual method से reproduction होता है, यानी कि new baby form होता है, वैसे ही प्लांट्स में एसेक्सुअल मेथड से नए प्लांट्स फॉर्म होते हैं, उसी को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होता क्या है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में प्लांट्स के ओल्ड पार्ट में से, यानी पुराने पार्ट्स में से उनकी रूट्स, स्टेम्स और लीव्स निकलती हैं, जिसके कारण उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। इसको ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी स्टेम्स, रूट्स और लीव्स में से नए बेबी प्लांट्स, लीव्स अलग अलग या रूट्स आना शुरू होते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है वो ज़्यादातर तो ग्रोथ और डेवलपमेंट ही इन्वॉल्व करता है। मीन्स एक या उससे ज़्यादा बर्ड्स का, जैसे आप देखते हैं ना कि आपके घर पर मान लीजिए अमरूद का पेड़ लगा हुआ है और आप उस पर देखते हैं कि कुछ समय के बाद में उसमें फूल आता है, फिर उसमें अमरूद लगना चालू होता है, उसी तरीके से वो जो होता है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही होता है। उसमें से अगर कुछ पत्तियां सूख जाती हैं तो उसमें नई पत्ती आती हैं, तो ये सब वेजिटेटिव प्रोपगेशन की वजह से ही होता है। ठीक है, फिर उसके आगे इसमें ये लिखा हुआ है कि जो ये बर्ड्स होती हैं, मीन्स जो ये फूल आते हैं उसमें, वो अपने स्टेज पर इनएक्टिव होते हैं, बट वो बाद में एक्टिव हो जाते हैं जब उन्हें कुछ मिलता है। जैसे कि अगर पेड़ में फूल आता है और आप उसमें पानी ना डालें, आप उसको कोई भी चीज़ ना दें, सनलाइट वगैरह कुछ ना दें, तो वो कुछ समय के बाद पेड़ सूख जाता है। बट अगर हम उसको पानी देते रहे, सनलाइट में रखे, उसको मॉइस्चर मिलता रहे, मतलब पानी देने से वार्म यानी सनलाइट मिलता रहे, तो वो प्लांट बनता है और उस जो फूल आता है उसमें उससे अमरूद बनता है। बट वैसे अगर हम कोई प्लांट लगाते हैं तो उसमें से नया प्लांट उग जाता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स है जो कि है रोज़, यानी कि जब हम रोज़ की स्टेम देखिए काट के लगाते हैं तो उसमें से नया पहले तो एक स्टेम निकलती है, फिर उसमें फूल आते हैं, फिर पत्ती आती है, फिर फूल आता है, तो वो रोज़ का फ्लावर बन जाता है लास्ट में। फिर अगर पटेटो का एग्जांपल है, क्योंकि देखिए अगर ज़्यादा दिनों घर में रखे रहते हैं तो उसमें से ग्रीन ग्रीन निकलना चालू हो जाते हैं वो, तो उसमें से भी वो नया प्लांट लगाना चालू कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन लीव्स, लीव्स में ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है? देखिए, इसका सिंपल सा एग्जांपल है, अगर हम कहीं पर मटर बोते हैं अपने खेत में, और आप जानते ही हैं क्योंकि मटर जो होती है वो हमेशा ज़मीन, वो क्लाइंबर है, क्लाइंबर मीन्स जो ज़मीन पे लेटे रहते हैं, तो वो ज़मीन पे चलता है, और ज़मीन पे चलने वाला जब उसमें थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसकी जो एक जड़ होती है वो, जैसे मान लीजिए इस तरीके से वो आगे जा रहा है, ठीक है, अब ये ग्राउंड में टच हो गया यहाँ पर, तो यहाँ से एक नई स्टेम निकलना चलोगी, ये ऐसे सीधे चली जाएगी, फिर मान लीजिए यहाँ टच हो गया तो यहाँ से एक नई स्टेम निकलेगी, ये ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये जो होता है, ये जो नया स्टेम निकल रहा है, ये प्रोपागेशन होता है, लीव्स में निकलता है। ठीक है, वैसे एक एग्जांपल एक ग्रास का ले सकते हैं जिसको हिंदी में दूब बोलते हैं। ठीक है, एक ग्रीन कलर की ग्रास होती है, वो जितना आगे बढ़ती है ज़मीन पर ही बढ़ती है, आपको तो पता ही है ग्रास जो होती है लेटी ही होती है ज़्यादातर, वो उसमें से अलग अलग तरीके के गांठ नोट्स बनते हैं, ऐसे जाएगी फिर ऐसे नोट्स बन जाएंगे, फिर ऐसे आगे चली जाएगी, फिर ऐसे नोट्स बन जाएंगे, फिर ऐसे आगे चली जाएगी। तो ये जो नोट्स बनते हैं ग्राउंड में टच होके, इनसे फिर ऐसे अलग अलग पार्ट्स निकलते हैं दूसरे वाले, ये जो पार्ट्स निकल रहे हैं ये लीव का वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा गया है वो एग्ज़ाम्पल है ब्रायोफाइलम, जितने भी प्लांट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लीव प्लांट का एग्ज़ाम्पल लिया गया है और कलाचियो का एग्जांपल लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो लीव्स होती हैं, इन ये देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिखाया गया है, ये जो लीव्स होती है जो नई डेवलप होती है, इसको फूड बनाने में, सप्लाई करने में,
हेल्पफुल होती है, और भाई और भी कई चीज़ें मीन्स प्रोवाइड करती हैं इसके। ठीक है, फिर देखते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेशन प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आर्टिफिशियल मीन्स जैसे कि हम बोलते हैं ना, ये आर्टिफिशियल चीज़ है, यानी कि ये साइंस से बनी हुई चीज़ें हैं, तो वैसे ही यहाँ पर कुछ साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करके प्रोपागेशन कराया जाता है, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड, यानी कि जो आदमी ने खुद बनाया नेचुरल। देखिए ये जो प्रोसेस है ये सब नेचुरली होता है, लीव्स में से लीव्स आना, स्टेम्स में से स्टेम्स निकलना, रूट्स निकलना, ये सब नेचुरल प्रोसेस है। बट कुछ हम इंसानों ने भी चीज़ें बनाई है विजिट प्रोपागेशन के लिए, जिसमें से कुछ कॉमन है। पहली जो है वो है कटिंग, दूसरी है ग्राफ्टिंग, तीसरा है लेयरिंग, और चौथा टिश्यू कल्चर है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कटिंग के बारे में। कटिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को काट देना। तो जब हम किसी प्लांट्स की स्टेम्स को छोटे छोटे पीसेस में काट देते हैं, और ये ध्यान रखते हैं कि हर स्टेम पे एक नोड होना चाहिए, एक बड होना चाहिए। ठीक है, एक गार्ड जैसे होते हैं, जिससे देखिए आप शुगर केन देखते हो ऐसे करके होता है, उसमें हर जगह पे ऐसे नोड बनी होती है। तो जब हम उसको काटते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि यहाँ से कटे, ये नोड दोनों ही क्लियरली बची हुई रहे, कटे ना आपस में। ठीक है, इस तरीके से हम सिंपली स्मॉल स्मॉल पीसेस में काट लेते हैं उनको, और फिर उनको क्या करते हैं, एक ज़मीन के अंदर, मॉइस्चर ज़मीन में, जहाँ पर हल्का ठंडक हो ज़मीन में और हल्की नमी हो, यानी कि हल्का पानी हो बट गीला ना हो, वहाँ पर इनको हम दबा देते हैं, और फिर ऊपर से मिट्टी डाल के बराबर कर देते हैं। फिर उसमें से धीमे से ऐसे, जैसे ये मान लीजिए पड़ा, ये नोड है और ये नोड है, तो इस नोड से धीमे से एक बेबी प्लांट ऐसे बाहर निकलता है धीमे धीमे, फिर ये बड़ा हो जाता है, और फिर ऐसे ये शुगर कैन हमने बोया था तो ये शुगर केन एक बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही ये प्रोसेस आगे तो समय तक चलती रहती है। फिर ये पूरे को काटते हैं, फिर स्मॉल पीसेस में करते हैं और देखते हैं कि बड ना कटे, और फिर इसको बो देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है, कटिंग का मीन्स यही होता है यहाँ पर। अगर हम ग्राफ्टिंग की बात करा जाए तो यहाँ पर हम दो अलग तरीके के प्लांट्स को लेते हैं। ठीक है, और उनको जैसे मान लीजिए एक प्लांट ये है और दूसरा प्लांट ये है, तो हम इसको इस हल्का मतलब तिरछे करके काटते हैं। ठीक है, ताकि ये आपस में मेंटेन रहे। फिर इस एक का हम नीचे का पार्ट ले लेते हैं, सॉरी ये फिगर थोड़ा ऐसे बनेगा, ये फिगर मान लीजिए एक का हमने नीचे का पार्ट लिया और दूसरे का हमने ऊपर का पार्ट ले लिया, फिर हम इसको ऐसे यहाँ पर जोड़ देते हैं और लास्ट में इसको कपड़े से बांध देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। फिर जहाँ पर ये कपड़ा बांधा है वहाँ पर से एक नई बड निकलना चालू होती है, जैसे कि ये देखिए निकल रही है। तो इससे क्या होता है कि ग्राफ्टिंग के मेथड से एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो हम स्टेम काटते हैं बिना रूट के उसको स्कियोन बोलते हैं, और जब हम इस दूसरे स्टेम काटते हैं जिसके जिसमें रूट्स होते हैं उसको स्टॉक बोलते हैं। कुछ दिनों के बाद स्कियोन स्टॉक जो होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और एक नई सेल डेवलप करते हैं, जिसको बोथ मिल मतलब दोनों मिलकर एक नया करेक्टरिस्टिक और ओरिजिनल प्लांट डेवलप करते हैं। ये एग्जाम्पल हमें जो ये होता है ये हमें रोज़ में, ग्रेप्स में और लेमन में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला मेथड है लेयरिंग। लेयरिंग मतलब कि अलग, लेयरिंग का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर परत चढ़ाना। बट यहाँ पर क्या है देखते हैं, अ ब्रांच ऑफ प्लांट इज पुल्ड एंड इट्स पार्ट इज कवर्ड विद मॉइस्ट सॉइल लिविंग द टॉप पार्ट आउटसाइड इन एयर। मीन्स एक प्लांट चूज करते हैं, उसके सारे पार्ट्स को कवर कर देते हैं मॉइस्ट सॉइल में, यानी हल्की ठंडे वाली सॉइल में, बट उसके जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको खुला रख देते हैं। फिर कुछ समय के बाद उसमें रूट्स डेवलप होती है, जो ज़मीन के अंदर पार्ट होता है, फिर उसमें से ब्रांच निकलती है, पेरेंट प्लांट में से ब्रांच को कट कर लेते हैं, और फिर और जो ये रूट्स जो नई डेवलप्ड हुई होती है उसमें से एक नया प्लांट डेवलप होता है। और ये जो एग्जांपल है ये लेमन, चाइना रोज़ और जैस्मिन में होता है। ठीक है, मीन्स कि ये जो लेयरिंग का पार्ट है वो वाला। फिर उसके बाद में आता है टिशू कल्चर। भाई ये बहुत ही अलग तरीके का कल्चर है। पहले क्या होता था, हम प्लांट लेते थे, सबसे पहले हमने कट किया स्मॉल पीसेस में, उसके बाद में हमने लेयरिंग्स की, यानी एक को काटा दूसरे के ऊपर रख दिया, फिर सॉरी सॉरी उसको ग्राफ्टिंग की, उसके बाद में हमने लेयरिंग की। लेयरिंग में हमने क्या किया कि भाई प्लांट लिया और उसको पूरे में बो दिया, फिर उसके जो रूट्स निकली उनको लिया और फिर अलग अलग उनको बो दिया, फिर उससे नए प्लांट लिए। बट ये टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर
ये लेबोरेटरीज़ में यूज़ होता है। जैसे आप अगर कभी केमिस्ट्री लैब जाएंगे या बायो लैब जाएंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब होती है, ऐसी टेस्ट ट्यूब होती है ऐसे करके, और ये पूरी क्लोज्ड होती है। इसके अंदर एक वाटर होता है कुछ, इसके अंदर एक बेबी प्लांट ग्रो करते हैं। इस प्लांट को केमिकल की मदद से ग्रो किया जाता है। मीन्स पहले तो स्मॉल पार्ट ले लेते हैं, छोटी छोटा बेबी प्लांट, बट उसके बाद में इसको ऐसे टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ केमिकल वगैरह मिला के रखा जाता है ताकि वो कंडीशन उसके लिए सूटेबल हो सके, क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हर जगह प्रोड्यूस नहीं हो सकते, इसीलिए। ठीक है, तो देखते हैं। अ स्मॉल पीस ऑफ द प्लांट इज ग्रोन इन अ सूटेबल मीडियम इन द टेस्ट ट्यूब एंड अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ ए सेल इज नोन एज कैलस डेवलप्ड ट्रोमिथ। जो उसमें से एक अनऑर्गेनाइज्ड मास होता है जो उसका प्लांट का, उसको कैलस बोलते हैं। द कैलस इज पुट इन हार्मोन डेब कंटेनिंग मीडियम विच इंड्यूस सेल्फ डिफ्रेंशिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांटलेट्स। ठीक है, क्या होता है, जो एक कैलस डेवलप होता है इसको हम एक ऐसे मीडियम में रखते हैं जहाँ पर सेल का डिफ्रेंशिएशन किया जा सके, यानी कि उसके अंदर पता किया जा सके कौन कौन सी सेल्स हैं जिससे नए प्लांट्स को बनाया जा सकता है। ठीक है, और फिर उसके आगे लिखा है द प्लांट्स डेवलप इन टू एन इंडिपेंडेंट प्लान वेन ट्रांसफर टू द सॉइल। जब इनको सॉइल पे भेजा जाता है तब ये ट्रांसफर्ड होकर मीन्स इंडिपेंडेंटली अपने आप से खुद ग्रो करते हैं। मीन्स बाकी सारी कंडीशंस तो हम देते हैं, वाटर देना उनके लिए, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह ये सब देते ही हैं, बट वो ग्रो करते हैं। मीन्स उनको तब केमिकल मीन्स वो केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे उनको टेस्ट ट्यूब के अंदर उनको जीवित रखने के लिए किया गया था। अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए टिनी पीस ऑफ प्लांट। ऐसे प्लांट्स से कई सारे प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो इसके एग्जांपल्स हैं वो हैं ऑर्चिड्स में हम ऐसे यूज़ करते हैं, और एस्पर्गस में, और एक्सेट्रा। ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। तो पहले एडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो एडवांटेज ये है कि ये फास्टेस्ट मेथड है न्यू प्लांट प्रोड्यूस करने का। इसमें डिफरेंस पता नहीं कर सकते प्लांट और प्रोड्यूस प्लांट के और पेरेंट प्लांट के बीच में, और ये बहुत ही यूज़फुल मेथड है सीडलेस प्लांट्स के लिए, जैसे कि ग्रेप्स और बनाना के लिए। ठीक है, यानी कि ग्रेप्स और बनाना को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, इसमें सीड्स नहीं होते ना इनमें। तभी द प्लांट प्रोड्यूस अ वेजिटेशन वेजिटेटिव प्रोपागेशन बियर फ्लावर ऑफ फ्रूट्स अर्लियर देन द न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाय सीड्स। मीन्स यहाँ पे जो जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो प्लांट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो उनमें जल्दी फ्लावर आते हैं बजाय पेरेंट फ्लावर्स के। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है इनके। प्लांट प्रोपेगेटेड बाय दिस मेथड हैव सम फीचर्स, दस दे आर लाइकली टू बी इन्फेक्टेड बाय द सम इन्फेक्शंस। ठीक है, दो तरीके के प्लांट्स की सेल्स एक में डिवाइड की मीन्स मिलाई जाती है, जिससे कि इनके सेल डिफरेंसेस अलग अलग होते हैं, और फिर इनमें कई ऐसे चांसेस होते हैं कि ये जो होते हैं ग्रो नहीं कर पा सकते, इनमें कुछ हो जाते हैं। कुछ ऐसी सेल्स होती हैं ना, दूसरों अलग अलग सबकी सेल्स होती है प्लांट्स में, उनके अंदर सबके अलग अलग अंदर अंदर तरीके के वर्क्स होते हैं, तो उस तरीके से कुछ इन्फेक्शन होने का डर रहता है जिससे वो प्लांट ख़राब हो सकता है। इट कैन रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटायर क्रॉप। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम ज़्यादा क्रॉप बो दें तो वो पूरा ही ख़राब हो सकता है। देर आर चांसेज ऑफ ओवर क्राउडिंग, और ओवर क्राउडिंग भी हो सकती है, यानी एक में से कई सारे प्लांट्स निकल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो योर चैप्टर एंडेड हेयर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू। Wear mask and use hand sanitizer and stay home, stay safe. Thank you.